और लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन भी इस बैठक में मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सीएम आवास में। गोला उपचुनाव, नगर निकाय चुनाव पर तीखे मंथन चल रहा है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सीमा नकवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमा, ये बैठक शुरू हुई है, क्या जानकारी सामने आ रही है इस बैठक को लेकर? किन मुद्दों पर जो चर्चा है वो हो रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 5 कालिदास मार्ग पे बैठक जारी है। जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी है राधा मोहन सिंह, वो इस बैठक में मौजूद है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और भूपेंद्र चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो सब के सब बैठक में मौजूद हैं। आज जो बैठक हो रही है उसमें जो है वो गोला विधानसभा का उपचुनाव अहम बिंदु है, इस पर चर्चा की जाएगी और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बात होगी कि कैसे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आ रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी फतेह हासिल करे। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज एक अहम चर्चा चल रही है और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूरी दिशा निर्देश देंगे अपने पदाधिकारियों को, अपने अधिकारियों को कि किस तरह से जो है वो आगे काम करना है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि गोला जो उपचुनाव होना है सीमाव, उसको लेकर देखिए जो तमाम जो उम्मीदवार हैं उनका उनकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब नगर जो निकाय चुनाव होना है उसको लेकर एक कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो बेहद ज़रूरी है और इसी वजह से तमाम संगठन के लोग और तमाम मंत्री जो है इसमें शामिल हैं, तमाम बड़े नाम जिस तरह से आप बता रहे हैं कि धर्मपाल सिंह भी इसमें मौजूद हैं और तमाम जो बड़े नाम हैं संगठन के वो भी इसमें मौजूद हैं। देखिए, जाहिर है कि महापौर के टिकट का वितरण होना है और साथ ही साथ जो है वो फिर चेयरमैन के टिकट का वितरण होना है। तमाम जगहों पर जो छोटे सभासदी और पार्षदी के जो चुनाव होते हैं उसमें टिकट का वितरण होना है। तो जाहिर है कि एक ये बड़ी बैठक है, अहम बैठक है और 2024 से पहले चूंकि निकाय चुनाव हो रहा है तो इस पर फोकस खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे भी मजबूत है और आगे मजबूत रहेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो चर्चा कर रहे हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश होंगे वो देंगे वो अपने पदाधिकारियों को, ताकि 24 से पहले का जो रिहर्सल है निकाय चुनाव के रूप में उस पर पूरी तरह से तैयारी की जाए और उसको जीता जाए, ताकि आने वाला जो समय है 2024 वाला उसमें किसी तरह कोई दुश्वारी सामने ना आए। बिल्कुल, तो कहा जाए निकाय चुनाव को लेकर जो है तैयारी पूरी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए।